तो हेलो मेरे भाई, कैसे हो आप सब। तो भाई, एयरफोर्स के ऑफिशियल साइट पर एक अपडेट आया है एयरफोर्स वैकेंसी को लेकर। तो भाई सावी वेबसाइट पर आ गया था, लेकिन इस पर नहीं आया था। तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये फेक भी हो सकता है, क्या हो सकता है क्या नहीं। लेकिन इस बात को एयरफोर्स ने साबित कर दिया कि नहीं, वही सही था और वो एयरफोर्स की तरफ से लीक हुआ था। ठीक है, तो ये कहाँ पे आया है भाई? तो ये ऑफिशियल साइट पर है, लेकिन आपको सामने में शो नहीं होगा। हम आपको ले चलेंगे वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो ये जो इंटरफेस इन्होंने चेंज किया है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। लेकिन यहाँ पर भी वैकेंसी को लेकर कोई अपडेट नहीं है। थोड़ा सा नीचे और आओगे तो यहाँ पर न्यूज़ सेक्शन है। ठीक है, न्यूज़ सेक्शन, तो यहाँ पर भी कल जो PSL आई थी उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर स्लाइड जो है वो मूव कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी नहीं चलना है। तो यहाँ पर एक और चीज़ ऑप्शन होता है, अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, इस पर थोड़ा क्लिक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर भी वही शो कर रहा है जो कि 19 से 23 मार्च को होने वाला था 2020 में। ठीक है, लेकिन यहीं पर थोड़ा सा काम करना, यहाँ पर जो थ्री डॉट है, एक सेकंड, यहाँ पर जो थ्री डॉट है इस पर क्लिक करना। और इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर कैंडिडेट का आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा। तो इस पर जैसे ही ओपन करोगे तो देखो, सबसे स्टार्टिंग में इतना सारा ऑप्शन खुल जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में आपको है गाइडलाइंस टू फिल अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो भाई इस पर जैसे ही क्लिक करते हो, आपको देख लो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ कि रेडी टू रेकोनर एंड गाइडलाइंस टू फिल अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म January 2021। ठीक है, January 2021 *1/2021, जिसको कि इनटेक में एक साल बढ़ा देते हैं जब ज्वाइनिंग होता है, तो इनटेक में 1/2022। तो भाई फाइनली ये आ चुका है और इसके बारे में हम सब चीज़ पढ़ के बताते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं अपन। एक मिनट देखो, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर थोड़ा सा हम डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, तो मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो एक बार फिर से कर लेते हैं इसमें क्या। ठीक है, यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन में आएंगे जैसे ही, तो यहाँ पर देख सकते हो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, इसको हम खोल लेते हैं। ठीक है भाई, तो रेडी रेकोनर जो कि आपको स्टार्टिंग में मिला था January 2021 *1/2021 और इनटेक 1/2022। ठीक है भाई, तो नीचे आते हो तो यहाँ पर Part 1, Part 2, Part 3, Part 4। ठीक है, और ये होता है सीटेक की तरफ से सारा चीज़, मतलब कि यहाँ पर उसके वेबसाइट को हैंडल किया जाता है। अब यहाँ पर Part 1 है, तो Part 1 में आपका सारा चीज़ रिटन एग्जाम, फिजिकल फिटनेस, सब चीज़ यहाँ पर होने वाला है। लेकिन डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भाई डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया पर थोड़ा चलते हैं और वहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, तो डेट ऑफ बर्थ वही है, 16 जनवरी 2001 से लेकर 29 दिसंबर 2004, और दोनों डेट मिला करके। ठीक है भाई, तो ये थोड़ा सा मतलब कि एज रिलैक्सेशन नहीं दिया उन लोगों की तरफ से। ठीक है, और एक सेकेंड, और एक चीज़ और जैसे बताने वाले हैं, थोड़ा सा नीचे चलते हैं और उसके पहले एक सेकंड। तो भाई अगर आप अप्रैल में एग्जाम देने वाले हो या उसके प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसको टेस्ट करने के लिए टेस्ट सीरीज लगाना बहुत जरूरी है। तो भाई ऑनलाइन टेस्ट लगाओगे तो टाइम मैनेजमेंट भी होगा, और एक काम करना, प्ले स्टोर पर जाके परीक्षा ऐप इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा कि आपको 15 टेस्ट मिल जाएंगे, और जितना भी प्राइस होगा आपका 50% अभी ऑफ चल रहा है, ठीक है। और जैसे ही ये कोड डालोगे guidance50, तो आपको 50% ऑफ मिलने वाला है। लेकिन क्योंकि बाद में फिर पता नहीं वो चेंज हो जाएगा या जो भी हो, लेकिन अभी 50% ऑफ चल रहा है, तो ये शायद जनवरी के लिए है, खैर उतना नहीं पता, लेकिन 50% अभी ऑफ चल रहा है। तो अभी जैसे ही बाय करोगे, तो आपको कैसे बाय करना है ये भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लॉगिन करना है, अपना लॉगिन करोगे जिस भी नंबर से। ठीक है, तो अपना हम लॉगिन कर लेते हैं। उसके बाद जैसे ही देखो लॉगिन करोगे, तो आपको टेस्ट जस्ट अप्रैल वाले बैच के लिए ही, स्पेशली उसी बैच के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आओगे, ठीक है भाई, तो यहाँ पर देख सकते हो कि एयरफोर्स अप्रैल स्पेशल। ठीक है, 15 टेस्ट हैं, और ये कैसे लेना है, तो टेस्ट सेक्शन पे आओगे। टेस्ट सेक्शन पे आते ही यहाँ पर आपको खुल जाएगा, तो इसको जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपको पेमेंट का मांगेगा 280। ठीक है, 280 के करीब में आपको मांगेगा। तो इसमें क्या करना है, आपको कूपन कोड में डाल देना है। एक सेकंड, कूपन कोड में जैसे ही डालोगे guidance50। ठीक है, guidance50 जैसे ही हम अप्लाई करते हैं, एक सेकंड कहाँ गया भाई, तो हाँ अप्लाई करते हैं हम, तो अप्लाई करते हैं आप 140 रुपये, मतलब कि 140 रुपये में आप यहाँ पर कोर्स ले सकते हो, उसके बाद अपना पेमेंट कर लेना। ठीक है भाई, तो एक काम करते हैं हम, अब थोड़ा सा चलते हैं वहाँ पर, एक सेकेंड। तो अब जहाँ पे बात कर रहे थे हम लोग, तो डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया की हम लोग बात कर लिए थे हम लोग ने, और उसके बाद जैसे कि चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। हाँ, डॉक्यूमेंट कौन कौन सा चाहिए,
तो पासपोर्ट साइज कलर फोटो चाहिए, ठीक है, जो कि स्लेट पकड़ के, और ये दिसंबर से पहले का नहीं होना चाहिए, तो आप फोटो अभी क्लिक करवा लेना। और ये फोटो लगेगा 10 KB से 50 KB और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। और 10th पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, पासपोर्ट साइज कलर फोटो चाहिए, और लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन तो वहाँ पर लगेगा ही, कैंडिडेट सिग्नेचर चाहिए, और कैंडिडेट्स पेरेंट्स सिग्नेचर तभी लाई चाहिए जब वो 18 से बिलो हो, ठीक है। और 12th मार्कशीट चाहिए, और अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिप्लोमा से आप भर रहे हैं तो आपको वो चाहिए, नहीं तो ये आपको नहीं चाहिए, ठीक है। और फिर सर्विस सर्टिफिकेट ये तो नहीं मांगेगा, ठीक है, ये आपको नहीं देना है, अगर आप सर्विस करते हो तो खैर वो जरूरी नहीं है। और पे करना है आपको 250 रुपये, ठीक है, पे करना है 250 रुपये। और ये सारा चीज़ ऑफिशियल आ चुका है, तो कैसे कैसे ये सारा आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ, कैसे नाम पूछेगा, तो फिर पेरेंट्स नेम पूछेगा, ये उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप कैफे में जाओगे तो वो सारा चीज़ वो भर देंगे। और एक बात और यहाँ पर कि आप थोड़ा सा हाइट और चेस्ट थोड़ा मपा लेना, इससे क्या होगा कि आपको यहाँ पर पूछेगा, एक मिनट दिखा रहे हैं आपको, हम हर साल पूछता है, तो थोड़ा सा नीचे आते हैं तो इसमें दिखाएगा अपने आप खुद ही कि आपको चेस्ट शू नंबर ये सारा चीज़ आपको पूछेगा, अगर फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हो तब, और नहीं तो आपने अगर अप्लाई किया हो तो आप जानते ही होंगे, लेकिन इस बार काफ़ी लोग फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर इंटर हाइट, इंटर शू साइज़, इंटर वेस्ट साइज, चेस्ट साइज, ठीक है, तो ये सारा चीज़ फिलअप करना होता है, बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट था, और बाकी फॉर्म फिलिंग डिपेंड सारा चीज़ वो नोटिफिकेशन सही है, ओके। तो ये कलर प्रिंट आउट निकाल लेना, सब सारा चीज़ जो भी आप करोगे कलर प्रिंट आउट निकाल लेना। तो भाई भी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो और ऑफिशियल आ जाने के बाद एक खुशी अलग होती है, तो ठीक है, इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।